Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello, good morning everyone. Welcome to testbook.com. So, this is our time to discuss weekly current affairs ko revision karne ka time aa chuka. Through MCQs we are going to revise weekly current affairs. So, yes, good morning to everyone. Hello, kaise ho sab log? I hope you all are doing great. Okay, चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं, पर सेशन स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारे सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जल्दी से जुड़ जाइए एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द लास्ट वीक थ्रू द MCQs. उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, पर वहां बढ़ने से पहले, वहां जाने से पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस सम थिंग्स. कुछ चीजों के ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी. कुछ न्यूज है जो लास्ट नाइट का न्यूज है, पहले उसके ऊपर बात करेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद अवर MCQ. पर वहां जाने से पहले जिसका न्यूज हम देखने वाले, उसी राफेल नडाल की बात करते हैं. सो उनका एक मोटिवेशनल कोट है, उसी कोट को फॉलो करते हुए ही बिकम द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द टेनिस ऑन द क्ले कोर्ट. सो प्ले हार्ड, वर्क हार्ड एंड ट्रेन हार्डर, सेम अप्लाइज टू अस. हमारे लिए भी सेम है कि भाई बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी, हार्ड तरीके से पढ़ाई करनी है और रिजल्ट आपको 101% तरीके से मिलेगा. सो उसी चीज को या उसी मोटिवेशन को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं आज का जो न्यूज हमें देखना था, उस एक न्यूज को कवर करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हमारे MCQs की तरफ. नाउ राफेल नडाल विज द फ्रेंच ओपन 2020. नाउ फ्रेंच ओपन इज कॉल्ड एज द किंग ऑफ क्ले. नाउ फ्रेंच ओपन जो होता है, जो फ्रांस के अंदर जो ग्रैंड स्लैम होता है, वो मोस्टली क्ले के ऊपर होता है. नाउ जब विंबलडन खेलते तो विंबलडन ये आपका ग्रास के ऊपर होगा और बाकी ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन जो होता है वो हार्ड कोर्ट के ऊपर होता है. तो यहां पे किंग ऑफ क्ले इज नॉर्मली कॉल्ड एज राफेल नडाल बिकॉज सबसे ज्यादा बार क्ले कोर्ट पर अगर कोई जीता है तो ये राफेल नडाल है. तो ये पॉइंट याद रखना, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो याद रखिएगा ना. नोवाक जोकोविच सर्बियन प्लेयर है कि उनको हरा के, नाउ ही इज अ नोवाक जोकोविच अ वर्ल्ड नंबर वन एंड राफेल नडाल इज अ वर्ल्ड नंबर टू. बट जब हम ग्रैंड सॉरी फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो वहां पे सबसे टॉप में हमेशा नडाल ही रहते हैं. फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे तो ईगा स्वेटेक, शी वन द हर लाइफ फर्स्ट टाइटल द फ्रेंच ओपन. शी इज अ पोलिश, पोलैंड से बिलोंग करती है और पहली पोलैंड प्लेयर है जिसने ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है या कोई बड़ा टाइटल जीता हुआ है. तो यहां पे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे. यस, 19 ईयर ओल्ड टीनेजर है, टीन एज में, बट शी वन दिस टाइटल. तो यहां पे काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले, व्हिच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, नाउ एक और पॉइंट है यहां पे, क्वेश्चन पूछेंगे 20th ग्रैंड स्लैम, 21 ग्रैंड स्लैम्स इज विद अवर सॉरी रोजर फेडरर और यहां पे 20th ग्रैंड स्लैम है, 30th फ्रेंच ओपन. सबसे ज्यादा फ्रेंच ओपन जीतने वाले प्लेयर ये अभी फिलहाल राफेल नडाल है, याद रखिएगा. नाउ या स्वाइटेक की बात करते तो पोलिश है, पोलैंड से बिलोंग करते हैं, थर्ड हाईएस्ट रैंक टीनेजर के राइट नाउ अगर है तो यहां पे भी काफी क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में आएंगे जो आपके लिए काफी मैटर करेगा. ग्रैंड स्लैम्स की मैंने बात की थी, 4 ग्रैंड स्लैम्स आपके पास होते हैं, यूएस ओपन है, फ्रेंच ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है एंड विंबलडन है. नॉर्मली अगर नॉर्मल ईयर रहा, नॉर्मल ईयर में हम ऑस्ट्रेलियन ओपन से स्टार्ट करते हैं, बाद में विंबलडन होता है, फ्रेंच ओपन पे जाते हैं और बाद में आपका यूएस ओपन आता है. पर इस साल थोड़ा सा उल्टा फुल्टा हो गया, कुछ इवेंट्स हुए ही नहीं, जैसे विंबलडन हुआ ही नहीं है इस साल, ये पॉइंट भी याद रखना. विंबलडन इज कंडक्टेड ऑन द ग्रास, ये ग्रास पे होता है. ऑस्ट्रेलियन द यूएस ओपन ऑन द हार्ड कोर्ट, वेयर एज अ फ्रेंच ओपन जो क्ले कोर्ट के ऊपर होता है, जो कल रात को मैच हुई थी जोकोविच और राफेल नडाल की, ये भी याद रखना. एंड दिस ऑल टूर्नामेंट्स आर ऑर्गेनाइज बाय इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जिसका हेडक्वार्टर लंडन में और 1913 में इसको क्रिएट किया गया था, ठीक है. तो याद रखिएगा, ये आपके लिए काफी ज्यादा मैटर करेगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो यहां पे गलती मत कीजिएगा, विल बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आगे बढ़ते हैं, राफेल नडाल का थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं बिकॉज द प्लेयर मैटर्स अ लॉट. अपने आप में बहुत बड़े प्लेयर है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स राफेल नडाल के उनके पास है. नाउ वर्ल्ड नंबर टू है फिलहाल, के फिलहाल वर्ल्ड नंबर टू है, वर्ल्ड नंबर वन इज नोवाक जोकोविच. एंड रॉजर फेडरर की बात करें तो वर्ल्ड नंबर 4 पे आते हैं, याद रखना. स्पेनिश प्लेयर है, स्पेन से बिलोंग करते हैं, के अभी तक ओलंपिक, 2 ओलंपिक मेडल जीत चुके इन द टेनिस, 21 ATP टूर्स है, 500 टाइटल्स है, 35 ATP टूर्स, मास्टर्स एंड 1000 टाइटल्स ओवर देयर, 13 फ्रेंच ओपन, 1 ऑस्ट्रेलियन ओपन,
टू विंबलडन और चार यूएस ओपन, सो 13 फ्रेंच ओपन। न्यू एरा में सबसे ज्यादा फ्रेंच ओपन जीतने वाले प्लेयर इज राफेल नडाल, याद रखना। यहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। 100 मैचेस क्ले कोर्ट पे जीतने का रिकॉर्ड भी उनके नाम पे, 100 मैचेस एक कोर्ट पे, मीन्स क्ले कोर्ट पे जीतना अपने आप में बहुत बड़ा होता है। और क्ले कोर्ट में खेलने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, बिकॉज बॉल रुक के आता है, तो जितनी स्ट्रेंथ रहेगी उतना बॉल स्पीडली, सो वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ होल्डर हम कहेंगे, एंड किंग ऑफ क्ले, ये भी पॉइंट याद रखना। यहां पर भी एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आएंगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे आज के सेशन में कवर करनी थी, बिकॉज कल रात की न्यूज है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यूज के थ्रू रिवीजन का सेशन, बिकॉज हमें रिवीजन करनी है लास्ट वीक क्या क्या हुआ था के, तो सारे रिवीजन्स को हम लोग, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज को हम लोग गो थ्रू करेंगे। निरवर 30 क्वेश्चंस रहेंगे आपके सामने, लेट्स सी कितने लोग सही तरीके से आंसर करते हैं, और हर क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रोकाला लोकू, ओके, आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग, बट एट द एंड ऑफ द सेशन, अभी फिलहाल सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, चलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारे सेशन के साथ। चलो फाइन, पहला के, सो आर यू पीपल रेडी, के ऑल एवरीवन इज रेडी, चलो स्टार्ट करें के, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले, सो ऑल यू, आई होप यू ऑल पीपल आर रेडी के, यस, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। Federer is from the Switzerland. Federer is from the Switzerland and Rafael Nadal is from the Spain. ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, चलो बताइए मुझे इसका आंसर। In October 2020, who among the following has inaugurated DBT BIRAC Clean Tech Demo Park in New Delhi? DBT, that is Department of Biotechnologies, BIRAC, that is Bio Industrial Research Association Council. So, Bio Industrial Research Association Council of Department of Biotechnology, okay, obviously ministry ke under kaam karta hai. So, Clean Technological Demo Park, New Delhi mein, kisne inaugurate kiya, jaldi se naam bata dijiye. Yes, you people are right, absolutely, सही आंसर आ रहा है यहाँ पे। Yes, हर्षवर्धन साहब की बात करेंगे, हर्षवर्धन साहब ने इसको इनॉग्रेट किया है, बहुत बढ़िया। ओके, नाउ क्लीन टेक डेमो पार्क का मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है वो क्लीन टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, और हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है हर्षवर्धन साहब, उनके हाथों से डेवलप किया गया। डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उनका एक एसोसिएशन है, ध्यान रखिए, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रिसर्च एसोसिएशन काउंसिल, दिल्ली से काम करता है, हेड ऑफिस वहां पे है, पर ऑल ओवर इंडिया, लाइक पुणे की बात करेंगे, बेंगलुरु की बात करेंगे, हैदराबाद में काम बात करेंगे, यहां पे इनके अपने रिसर्च सेंटर्स है जहां पे इंडस्ट्रियल रिसर्च के ऊपर काम करते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या आएगा आप सबको पता है, मेडिसिनल क्रिएशंस, मेडिसिन हम लोग क्रिएट करते हैं, लाइक जो भी बायोलॉजिकल लाइफ में जो भी रिसर्च होगा टेक्नोलॉजी एंगल में, वो सारा यहां पे होने वाला है, याद रखना, ये हमारे लिए काफी ज्यादा मैटर करेगा और काफी क्वेश्चंस इसके ऊपर आने के। इज देयर एनी बफरिंग गोइंग ऑन के, इज देयर एनी बफरिंग गोइंग ऑन गाइस, के जल्दी से बता दीजिए के, नो आई गेस देयर इज नो बफरिंग गोइंग ऑन, चलो फाइन। सो दिस आर द फर्स्ट क्वेश्चन के जिसके ऊपर हमें बात करनी थी, याद रखना हर्षवर्धन साहब के पास दो मिनिस्ट्रीज है, कौन सी दो मिनिस्ट्रीज है, एक मिनिस्ट्री तो आपके सामने आ गई साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरी मिनिस्ट्री कोई बताएगा मुझे कि दूसरी कौन सी मिनिस्ट्री डॉक्टर हर्षवर्धन साहब के पास है, जल्दी से बताइए, बड़ा सिंपल है के, उस मिनिस्ट्री के लिए काफी फेमस है वो के, बाय द वे लोगों को ये मिनिस्ट्री नहीं पता होती है, दूसरी मिनिस्ट्री 101% पता होती है, जल्दी से बता दीजिए कि भाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो है हमारे हर्षवर्धन साहब, इसके अलावा और कौन सी मिनिस्ट्री है, बहुत बढ़िया, हेल्थ मिनिस्ट्री उनके पास है, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। ओके, एचआरडी नहीं, मैम प्रीति जी, अभी एचआरडी मिनिस्ट्री नाम की कोई मिनिस्ट्री बची भी नहीं है के, अभी उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री नाम दिया गया है, और निशांक साहब उस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर साहब है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। In October 2020, who among the following has won 10-meter air pistol event in the 5th edition of the International Online Shooting Championship? Now, International Online Shooting Championship आजकल चल रही है, means घर पे बैठ के या अपना जहां कहीं भी आप ट्रेनिंग करते हो वहां पे कैमरास लगा के आपको शूटिंग की चैंपियनशिप हो रही है, और इस चैंपियनशिप में 10-meter air pistol पे किस इंडियन को यहां पे शी वन द टाइटल, उन्होंने टाइटल जीता हुआ है, जल्दी से नाम बता दीजिए कौन सी इंडियन है कि जिनको ये टाइटल मिला हुआ है, मैंने आपको हिंट भी दे दी कि भाई कौन है,
नहीं बिल्कुल नहीं, आप लेट नहीं हुए, सेकंड क्वेश्चन ही चल रहा है। एक न्यूज हमने देख ली राफेल नडाल जी की के, सो यस आगे बढ़ते हैं। चलो बताइए, यस यहां पे आपका आंसर है यशस्विनी देसवाल। यस यशस्विनी देसवाल इज द आंसर। सो यशस्विनी देसवाल ओके, शी वन दिस एयर 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट चैंपियनशिप अभी जो हुई थी 4th ऑफ अक्टूबर को। हमने इस न्यूज को भी अपने लेक्चर के अंदर कवर किया था। मैंने कहा था कि ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप कैसी होती है, मैंने आपको दिखाया भी था एक इमेज के साथ कि भाई घर में ही एक रेंज बना लो 10 मीटर्स वाला, प्रॉपर तरीके से कंप्यूटराइज रहेगा और कैमरास लगे रहेंगे, एक कैमरा आपके शूटिंग के ऊपर और दूसरा कैमरा वो आपके स्क्रीन के ऊपर रहेगा, जिससे रेफरीज चेक करेंगे कि आपने प्रॉपरली किया कि नहीं। बिकॉज COVID-19 है, नॉर्मल इवेंट्स तो नहीं ले सकते पर ऑनलाइन इवेंट्स ले सकते हैं। नाउ अगर आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि एक एक चीज जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ध्यान रखिएगा कि नाउ कल फ्रेंच ओपन हुआ। फ्रेंच ओपन पहला ऐसा टूर्नामेंट था जहां पे लोग प्रेजेंट थे, जहां पे लोग प्रेजेंट थे। नहीं तो उसके पहले यूएस ओपन हुआ, वहां पे पब्लिक प्रेजेंट नहीं थी। आईपीएल में भी लोगों को या पब्लिक को अलाउ नहीं किया गया है। या उसके पहले फुटबॉल की मैचेस हो रही थी, बुंडेस लीगा या ला लीगा की बात की थी या फिर इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात की थी, वहां पे भी हमने किसी भी क्राउड को या किसी भी फैंस को अलाउ नहीं किया था। पर फ्रेंच ओपन में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो यहां पे फैंस अवेलेबल थे, फैंस को प्रेजेंट किया गया था, ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। तो यहां पे भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकते, तो वन ऑफ द फर्स्ट मेजर इवेंट जहां पे फैंस अवेलेबल थे और वो था फ्रेंच ओपन। ये भी पॉइंट याद रखना, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा मैटर करेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो, सो ये याद रखिएगा, ये आपके लिए काफी मैटर करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाते हैं। रिसेंटली सस्पेक्टेड टॉक्सिक स्पील अलोंग द बीच ऑफ द कामाचाटा का पेनिनसुला ऑफ विच कंट्री हैज किल्ड 95% ऑफ मराइन लाइफ ऑन द सराउंडिंग सीबेड। मैंने आपको दिखाया भी था प्रॉपर एक मैप के साथ कि एग्जैक्टली ये कामाचाटा का पेनिनसुला कहां पे है और इस पेनिनसुला में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुई थी। टॉक्सिन्स का चेकिंग चल रहा है, मोस्टली ऑयल स्पिल ज्यादा हुई है। तो बैरन सी की हम लोग हम बात करेंगे या फिर हम लोग विल टॉक अबाउट दी पैसिफिक ओशन का एरिया हम लोग बात करेंगे, जहां पे ये मोस्टली ऑयल स्पिल हुआ था। ऑयल स्पिल में एग्जैक्टली क्या हुआ है इसका टेस्टिंग अभी भी चल रहा है, पर 95% मराइन लाइफ वहां पे हैम्पर हुई है। तो मुझे बता दीजिए कौन सा एरिया था। यस आंसर इज रशिया। रशिया की हम यहां पे बात करेंगे, रशिया में ये आता है। रशिया के ईस्टर्न साइड में वन ऑफ द लाइक काफी ज्यादा ऐसा एरिया जहां पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है, टूरिज्म के लिए काफी फेमस था कि यहां पे उनके बायोस्फीयर रिजर्व्स है, यहां पे उनके पार्क्स है, पर यहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो काइंड ऑफ डेजर्टेड एरिया है, ज्यादा लोग वहां पे जाते नहीं है। बट स्टिल यहां पे 95% मराइन लाइफ हैम्पर हुई है और जो बहुत बड़ी न्यूज है। फिलहाल रिसर्चर्स चेक कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ऐसा कौन सा टॉक्सिक था जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। नॉर्मली ऑयल स्पिल ये डर वहां पे है कि ऑयल स्पिल तो हुआ था वहां पे, नो डाउट अबाउट दैट, पर बड़ी प्रॉब्लम क्या है ये नहीं पता। तो याद रखना कमाचाटा का पेनिनसुला रशिया, यहां पे काफी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है तो याद रखिएगा, विल बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था एनवायरमेंटल थिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स राइट नाउ। लुक दो ई है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत मैटर करते हैं, एक है एनवायरमेंट और दूसरा इकोनॉमिक्स, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ओके जब आप ऑफिसर लेवल के एग्जाम दोगे, जब आप बड़े लेवल के एग्जाम दोगे, स्पेशली यूपीएससी या एनी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो टाइम पे इन दो के तरफ ध्यान रखना, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स, बिकॉज बहुत ज्यादा न्यूज इन दो सेक्शंस के ऊपर बनती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इन दोनों सेक्शंस के ऊपर होता है। एंड राइट नाउ अकॉर्डिंग टू यूएन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये दो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है इवन फॉर द एग्जाम। हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री का ना एक लिमिटेशन बना हुआ है कि भाई हिस्ट्री ऐसी थी ऐसी है, ओके अपना वो जैसा है वैसा ही था, पर जो करंट में चेंज होते रहेगा वो सबसे ज्यादा एनवायरमेंट होगा और इकोनॉमिक्स होगा। तो आपको उन चीजों की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। इस एंगल में अगर पढ़ाई करोगे, इन दो सब्जेक्ट को अगर समझ लोगे तो पढ़ाई बहुत स्ट्रांग होगी, ये पॉइंट समझ लीजिएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नाउ अक्टूबर 2020 हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये न्यूज भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, ह्यूमन राइट एक्ट्स। ओके ह्यूमन राइट का एक्ट हमने बनाया था 1993 में और उसी एक्ट के तहत हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया में क्रिएट किया। ओके सो वी आर हैविंग स्टैट्यूटरी बॉडी, हमारे पास स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है कि एग्जीक्यूटिव भी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको पार्लियामेंट के लॉ से बनाया गया, ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंदर हमने इसको क्रिएट करके रखा हुआ है। तो मुझे बताइए कि भाई इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, किसको अपॉइंट किया गया है। यस काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं यहां पे। यस
एब्सोल्युटली राइट, बिमधर प्रधान, बिमधर प्रधान साहब की बात करेंगे. सो बिमधर प्रधान जो सीनियर ब्यूरोक्रेट थे के, सो नाउ ही इज हैंडलिंग द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड ही इज द हेड ऑफ दिस कमीशन. याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनका अपॉइंटमेंट हुआ है के वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट. स्टैट्यूटरी बॉडी है, मैं वापस रिपीट करता हूं, स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि जो पार्लियामेंट के लॉ से बना है. अगर डायरेक्टली गवर्नमेंट ने बनाया तो एग्जीक्यूटिव बॉडी कहेंगे. अगर सपोज इसको क्रिएट किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहेंगे. जैसे यूपीएससी होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नीति आयोग आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी है, पर यहां पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करेंगे तो ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर आएगा. तो ये गलती मत कीजिएगा, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ जाते हैं. नाउ All India Institute of Ayurveda, a new Delhi has signed a memorandum of understanding with which of the following for Ayurveda research. Now Ayurveda research की बात करते हैं के चलो जल्दी से बता दीजिए कि भाई All India Institute of Ayurveda के New Delhi has signed a memorandum of understanding with which of the following for Ayurveda research. Now recently agreement हुआ है Ayurveda research के लिए जितनी भी help लगेगी ये इस university से मिलने वाली है. और यहाँ पे आपका काफी लोगों का answer सही है, Amethi University. आपको बताओ हमने Amethi University के ऊपर बात भी की थी, discussion भी किया था कि इनके साथ agreement हुआ है. Now Ministry of Ayush ने All India Institute of Ayurveda के जो New Delhi के अंदर उनके साथ मिलकर tie up किया कि भाई आप Amethi के साथ tie up कीजिए ताकि Amethi University आपको help करेगी रिसर्च करने के लिए. अमेठी यूनिवर्सिटी का अपना एक कॉलेज है जिस कॉलेज में मेडिसिन के ऊपर या फिर आयुर्वेदिक जो बायो सिनारियो होता है या बायो फार्मास्यूटिकल्स होता है उसके ऊपर काफी वर्क करते हैं. सो बायो काइनेटिक्स, बायो फार्मास्यूटिकल्स इसके ऊपर वर्क किया जाएगा विद अमेठी यूनिवर्सिटी. मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि अमेठी यूनिवर्सिटी नाउ ओपन वन ऑफ देयर ब्रांच, इंटरनेशनल ब्रांच इन सिंगापुर. सिंगापुर के अंदर भी अमेठी ने अपना एक ब्रांच ओपन करके रखा हुआ है. सो अमेठी यूनिवर्सिटी इज वर्किंग वेरी वेरी हार्ड इन टू दिस सिनारियो ऑफ द रिसर्च. और जहां पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा उनके साथ मिलके अभी मेडिसिन प्रिपरेशन के ऊपर काम करेगा जो आयुर्वेदिक मेडिसिन काफी फेमस है. के आयुष मिनिस्टर साहब का नाम आप लोगों ने ऑलरेडी डाल दिया, श्रीपाद नाइक जी मिनिस्टर है के, बहुत बढ़िया. आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, ये पांच पैथीज की हम लोग बात करते हैं. ये पांचों पैथी हमारे पास है के, इसके अलावा एलोपैथी है, उसका मिनिस्ट्री अलग जाएगा, पर ये पांच पैथीज है जो बड़ी फेमस है. उसमें से होम्योपैथी छोड़ के बाकी पैथीज मोस्टली इंडियन टच से बनाई गई है. होम्योपैथी सबसे ज्यादा होम्योपैथी की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स आर इन इंडिया, इंडिया में ही पाए जाते हैं. एंड दैट्स व्हाई ये पैथी भी इंडिया से रिलेटेड है, बट बेसिकली होम्योपैथी बिलोंग्स टू जर्मन ओरिजिन, जर्मन ओरिजिन है होम्योपैथी का. ये पॉइंट याद रखना, ये भी आपके लिए काफी मैटर करेगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले गाइस ओके थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं. हमारे कुछ नए इवेंट जो हमने स्टार्ट किए हुए करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स के लिए आपको, आपके लिए मेल में आपको बिल्कुल एकदम फ्रेश करंट अफेयर्स की न्यूज आपको मिल सकती है. तो अगर आपको फ्रेश न्यूज चाहिए आपके इनबॉक्स में, आपके मेल के इनबॉक्स में, तो जल्दी से नीचे आके सब्सक्राइब कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा. ऑलरेडी मोर देन 1,80,000 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब करके रखा हुआ है. इसके अलावा मेगा सेल चल रहा है हमारा टेक्स्ट बुक पास का, 299 का पास है, जल्दी से इसे गो थ्रू कीजिएगा, ये भी आपके लिए बहुत मैटर करेगा. और उसके अलावा दोस्तों एग्जाम रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वी आर हैविंग अ न्यू कॉल द सपोर्ट टीम जो आपके साथ कॉल पे अवेलेबल रहेगी, काउंसिलर्स हमारे कॉल पे अवेलेबल रहेंगे. तो जो भी आपको एग्जाम रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो भी आपको इश्यू आ रहे प्रिपरेशन में, सारे चीजों का सोल्यूशन ये लोग आपको देंगे. तो काफी लोगों के मैंने क्वेश्चन देखे थे, सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. गाइस इन सबका सोल्यूशन आपको हमारे काउंसिलर, हमारी टीम आपको दे देगी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. ठीक है, सब्सक्राइब कैसे करें, हमारे जो डिस्क्रिप्शन है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका सारा चीजें मिल जाएगी. ठीक है, नाउ आईबीपीएस क्लर्क का लाइव कोचिंग बैच भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, इसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा. प्लस एसएससी सीजीएल का फ्रेश बैच हमारा स्टार्ट हुआ है, वहां से भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो. ठीक है, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, हमारे वापस आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर आते हैं. चलो बताइए मुझे इसका आंसर.
यस, आई विल टेल यू द नंबर। जस्ट पहले थोड़ा सा कुछ सेशन देख लेते, सेशन खत्म होते ही आपको आपका नंबर मिल जाएगा, आपको मैं नंबर मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, जस्ट गो थ्रू दिस, यहां से गो थ्रू कीजिए। चलो, इन अक्टूबर 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अप्रूव्ड द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी फॉर द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इन द स्टेट। नाउ यस, यहां पे आंसर ऑलरेडी हमारे दोस्तों के आना शुरू हो गया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नाउ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है, देखिए यहां पे अगर सपोज मुझे मेरा बिजनेस, मुझे अगर मेरा होटल ओपन करना है तो उसके लिए जल्द से जल्द मुझे परमिशंस मिलेगी, मुझे ज्यादा एनओसीज, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दो चार सर्टिफिकेट या दो चार परमिशन के भरोसे मैं अपना काम शुरू कर सकता हूं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये वर्ल्ड बैंक ने दिया हुआ कंसेप्ट था, कि फिलहाल वर्ल्ड बैंक उसका रैंकिंग नहीं दे रही है, वर्ल्ड बैंक ने उसका रैंकिंग को पॉज कर दिया है, कि बट इंडिया में उसका रैंकिंग चलता है। और इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो आंध्र प्रदेश सबसे टॉप में है। न्यूज महाराष्ट्र की थी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हॉस्पिटैलिटी, मींस यहां पे हम टूरिज्म की बात करेंगे, यहां पे हम लोग होटल बिजनेस की बात करेंगे, इसके लिए बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का करेगा ताकि टूरिज्म काफी अच्छे से बढ़ सके इस स्टेट के अंदर। सो आदित्य ठाकरे, हु इज द सन ऑफ उद्धव ठाकरे, इज राइट नाउ द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड टूरिज्म, एंड ही अनाउंस दिस पॉलिसी ओवर हियर। तो याद रखना, पर सबसे अच्छा स्टेट इन केस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया इज आंध्र प्रदेश। ओके, अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो इंडिया रैंक इज 63rd, बट प्रॉब्लम यह है कि फिलहाल वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग होल्ड करके रखा हुआ है। उनका कहना है कि हम शायद अभी रैंकिंग नहीं देंगे। रीजन उनका यह है कि उनका कहना है बहुत सारे कंट्रीज ने जो डेटा उनको प्रोवाइड किया है वो डेटा सही नहीं है, कि बहुत सारी कंट्रीज डेटा प्रोवाइड करती है और बाद में वर्ल्ड बैंक रैंकिंग देगा, पर बहुत सारे कंट्रीज ने फेक डेटा दिया है, ऐसा वर्ल्ड बैंक का ब्लेम है, इसलिए उसको रोक के रखा हुआ है। ये पॉइंट याद रखना, ये आपके लिए काफी मैटर करेगा। कि तो इसलिए जो रैंकिंग थी, ठीक है, उसको साइड में रखी जाएगी, पर अब देश के अंदर की रैंकिंग के ऊपर बात की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन अक्टूबर 2020 लुइस ग्लिक हैज बीन नेम्ड एज अ विनर ऑफ 2020 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फ्रॉम विच कंट्री शी बिलोंग्स, कौन से कंट्री से बिलोंग करती है। कब तक आएगा पता नहीं, ओके, बिकॉज वर्ल्ड बैंक इज वर्किंग ऑन दैट। जब वर्ल्ड बैंक काम करेगी तो हमें पता चल जाएगा क्या रहेगा। यस, नाउ यहां पर बहुत जगहों पर मैंने देखा लोग ग्लुक ग्लुक कर रहे, प्रोनाउंसिएशन इज ग्लिक। ओके, देखना यू के ऊपर दो डॉट्स है, के सो मोस्टली फ्रेंच या स्पेनिश टाइप में लिखने का तरीका होता है। इट्स प्रोनाउंसिएशन इज ग्लिक। ओके, हमारे टीम ने भी यहां पे ग्लुक लिखा हुआ है, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज ग्लिक, याद रखना, लुइस ग्लिक। यस, शी इज फ्रॉम द यूएसए, यूएस से बिलोंग करती है, पुलित्जर प्राइज भी इनको मिल चुका है, एंड यूएस का लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड भी इनको मिल चुका है, एंड दिस टाइम शी गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर, वन ऑफ द ब्यूटिफुल पोएट्री राइटर के लुइस ग्लिक, याद रखिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से लिटरेचर की प्रोफेसर भी है और बहुत बेहतरीन तरीके से पोएट्री लिखती है, एंड शी गॉट दिस अवार्ड, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा मैटर करेगा एग्जाम के लिए। नाउ बहुत बार क्या होता है, जब हम लोग कभी इंटरव्यूज देते हैं, कभी हमारा जीडी ग्रुप डिस्कशन होते हैं, वो टाइम पे प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, इसलिए मैं बार बार होता था, ठीक है, आपके अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, आप केवल क्लर्क लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कभी मैटर नहीं करेंगे, बट जब आप किसी के सामने खड़े होकर बात करते हो तो प्रोनाउंसिएशंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, और वो एक आपका एक अच्छा एक दिखता है यार, आपका थोड़ा सा वेटेज आएगा। तो याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशंस में गलती कभी कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ट्राई करेंगे कि गलतियों को मिनिमाइज करें। अब जहां पे हमें पता है हम उसको यूज करना शुरू कर देते ताकि एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हमारा हो सके, ये भी हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Now, which of the following states has inaugurated Distavo, an online channel for holistic teaching and virtual orientation for higher education? Distavo, Distavo नाम से किस स्टेट ने ये इसको लॉन्च किया हुआ है हायर एजुकेशन? निर्भर 24 आवर्स के लिए चलेगा, कि यहां पे जो यूनिवर्सिटीज है उस स्टेट के अंदर, उनको बोला गया है कि अपने लेक्चर्स प्रोवाइड कीजिए, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स रहेंगे, यहां पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सारे एंगल पे ध्यान रखा गया है, और यूनिवर्सिटीज की तरफ से ये सारी चीजें लाई जाएगी। तो कौन सा स्टेट है? चलो, आप लोगों का आंसर बहुत सही आया, गोवा। गोवा की बात करेंगे, मुझे बताइए गोवा के गवर्नर कौन है, बिकॉज चीफ मिनिस्टर साहब का नाम तो यहां पे आ चुका है, प्रमोद सावंत साहब की हम लोग बात करेंगे, बट हु इज द गवर्नर ऑफ गोवा, गोवा के गवर्नर कौन है? लास्ट टाइम गोवा ने आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ मिलकर
टीचर्स के साथ मिलके और कुछ एजुकेटेड स्टूडेंट्स के साथ मिलके उन्होंने एक प्लान किया था कि हर विलेज में जाएंगे और विलेज में अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे फॉर द हेल्थ एज वेल एज फॉर द एजुकेशन एज वेल एज फॉर द डिजिटल इकोनॉमी। ये प्लान ऑलरेडी गोवा गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था और यहाँ पे डिजिटाओ के साथ एजुकेशन, वर्चुअल एजुकेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए यहाँ पे प्रमोद सावंत साहब ने इसको इंप्लीमेंट किया हुआ है। यस, कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी ये दो स्टेट्स के फिलहाल गवर्नर है, महाराष्ट्र तो उनके हाथ में है ही, साथ में वो गोवा को भी हैंडल कर रहे हैं, तो गोवा महाराष्ट्र के जो आना जाना उनका चलते रहता है और कोश्यारी साहब काफी न्यूज में चलते हैं आजकल के। सो एनीवेज, पर यहां पे याद रखना ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ बाय द वे, गोवा वो स्टेट था जिसने कोविड 19 के स्टार्टिंग के दो महीने में अनाउंस कर दिया कि देयर इज नो केस ऑफ कोविड 19 इन गोवा। ये भी गोवा अनाउंस कर चुका था पर बाद में वापस गोवा में केसेस बढ़ गई थी, तो मैं कहूंगा गोवा वॉज काइंड ऑफ अ न्यूजीलैंड ऑफ इंडिया, क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर भी केसेस खत्म हो गई थी, बाद में वापस केसेस बढ़ गई, अब वापस एक भी केस न्यूजीलैंड के अंदर नहीं है। गोवा भी शायद बहुत जल्दी फ्री हो जाए कोविड 19 से, तो भाई अच्छी बात रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड अ फुल बगान स्टेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। अब इस सिटी से जो हमारे दोस्त बिलोंग करते हैं ये इसका आंसर तो तुरंत दे देंगे, उनको अच्छे से पता रहेगा के। सो भाई हमारे जितने भी बंगाली दोस्त है के जल्दी से आंसर दे गया, यस आंसर इज कोलकाता। कोलकाता की बात करेंगे वर्चुअली के पीयूष गोयल साहब जो हमारे मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर, उन्होंने इनॉग्रेट किया ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के अंदर फुल बगान। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं कि पीयूष गोयल साहब के पास और कौन सी मिनिस्ट्री है? रेलवे मिनिस्ट्री तो हैंडल कर ही रहे भाई साहब के, इसके अलावा और कौन सी मिनिस्ट्री है जो गोयल साहब हैंडल कर रहे हैं फिलहाल के कंडीशन में, आज की डेट में कौन सी और मिनिस्ट्रीज है जो गोयल साहब के पास है रेलवे मिनिस्ट्री के अलावा, जल्दी से बताइए। तीन मिनिस्ट्री आ चुकी उनके पास अभी के, एक तो भाई हां रेलवे है, दूसरा कॉमर्स मिनिस्ट्री भी उनके पास है, और जो रामविलास पासवान साहब की मिनिस्ट्री थी फूड एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वाली, वो मिनिस्ट्री भी अभी पीयूष गोयल साहब के पास आ चुके। तो एक कॉमर्स मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री है, फूड एंड कंज्यूमर गुड्स जो मिनिस्ट्री है जो रामविलास पासवान जी के पास थी, वो मिनिस्ट्री भी अभी पीयूष गोयल साहब हैंडल कर रहे हैं। तो फिलहाल तीन मिनिस्ट्री है, रेलवे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक ही मिनिस्ट्री होती है, एंड फूड एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो मिनिस्ट्री है ये भी अभी इनके पास आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री किसके पास है, कोई बताएगा मुझे? फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री किसके पास है? बिकॉज फूड वाली दो मिनिस्ट्रीज है के, एक फूड प्रोसेसिंग है और दूसरी नॉर्मल फूड मिनिस्ट्री है, तो मुझे बताइए फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री किसके पास है? पहले हरसिमरत कौर बादल वो मिनिस्टर हुआ करती थी पर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया बिकॉज अकाली दल, आपको पता होगा, फार्मर बिल को लेकर उन्होंने रिजाइन कर दिया एनडीए से, तो अब वो मिनिस्ट्री किसके पास चली गई है? यस, नरेंद्र सिंह तोमर साहब के पास चली गई है। बहुत बढ़िया, नरेंद्र सिंह तोमर साहब अभी फिलहाल उसको हैंडल कर रहे हैं कि इज एग्रीकल्चर एज वेल एज फूड प्रोसेसिंग भी उन्हीं के पास जा रही है। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होना, फिलहाल डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल मिनिस्ट्रीज आ गई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड। नाउ कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड, हमने कहा था कि ये आंध्रा के अंदर ही है, कि इसको किस कंपनी ने रिसेंटली खरीद लिया है 12,000 करोड़ में। सेज की बात करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं जहां से मोस्टली इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंगल में काम किया जाता है, तो कृष्णापट्टनम पोर्ट किसने खरीद लिया है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, अदानी। यस, अगर बात की जाए तो भाई एयरपोर्ट के मामले में अदानी साहब सबसे आगे, और साथ में पोर्ट्स के मामले में भी अभी अदानी साहब सबसे आगे जा रहे हैं, बिकॉज कांडला पोर्ट जो इंडिया का सबसे वन ऑफ द फर्स्ट सेज है ये भी इन्हीं के हाथ में है। और यहां पे बात करेंगे अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड की बात करेंगे तो ये भी इन्हीं के हाथ में गया है। कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड ने 12,000 करोड़ में ये अदानी साहब को बेच दिया, याद रखना। चलो मुझे बताइए कितने एयरपोर्ट्स है जो अदानी साहब के हाथ में है राइट नाउ, अभी प्रेजेंट डे में कितने एयरपोर्ट्स है जो अदानी इंडस्ट्रीज हैंडल करती है या अदानी एयरपोर्ट अथॉरिटी हैंडल करती है, जल्दी से बता दीजिए। यस, हाउ मेनी एयरपोर्ट? यस, सेकंड रिचेस्ट इंडियन। यस आफ्ताब, एब्सोल्युटली राइट, सेकंड रिचेस्ट इंडियन, फर्स्ट पे अंबानी साहब है, सेकंड पे अदानी साहब है के।
टोटल अभी तो फिलहाल 7 है, एक आठवां एयरपोर्ट बाद में आएगा। आठवां जो एयरपोर्ट है जो आप बात कर रहे हो वो बाद में आएगा, बिकॉज न्यू मुंबई, जो न्यू मुंबई एयरपोर्ट है के वो बनना नहीं, अभी तक बना नहीं है। तो ये बनेगा तब उनके हाथ में आएगा, पर फिलहाल बनाने की जिम्मेदारी भी उनके हाथ में है। तो फिलहाल 7 एयरपोर्ट है जो वर्किंग कंडीशन में अदानी इंडस्ट्रीज हैंडल कर रही है, पर जो न्यू मुंबई एयरपोर्ट है वो अभी तक बना नहीं है, वो प्रोसेस में वो उनके पास आएगा। तो आपका आंसर गलत नहीं है, पर 7+1 वाला आंसर दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा कि बहुत एप्रोप्रिएट रहेगा और सामने वालों को रियलाइज होगा कि आपकी पढ़ाई बड़ी अच्छी हुई है। कि 8 भी गलत नहीं था आपका, पर 7+1 बताओगे तो सामने वाले को समझ में आएगा कि भाई बहुत डीप में जाके बहुत प्रिसाइज तरीके से पढ़ाई की है। तो ये रिफ्लेक्ट होता है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। नाउ अक्टूबर 2020 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैव साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया, जर्मनी, यूके, स्विट्जरलैंड डिस्कवर्ड द न्यू फैमिली ऑफ बोनी फिश नेम दैट इज कॉल्ड एज अ एगिनमा चैनिडे। एगिनमा चैनिडे के या एगिनमा कैनिडे भी कह सकते हैं, बिकॉज इसको का प्रोनाउंसिएशन भी होता है। सो एनिग्मा कैनिडे इज द न्यू बोनी फिश, ये एग्जैक्टली कहां पाई गई है? बिकॉज काफी दिनों से इंडियन, जर्मन, यूके, स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे इसके ऊपर और ये पाई गई है। चलो कोई बताएगा यहां पे? यस, आंसर आपका सही है, वेस्टर्न घाट की यहां पे बात करेंगे, वेस्टर्न घाट्स के अंदर पाया गया है। सो मोस्टली केरला के अंदर ये पाया गया है। वैसे वेस्टर्न घाट आपके स्टार्ट होते गुजरात से के एंड होते तमिलनाडु पे, तो मुझे बताइए वेस्टर्न घाट की जो रेंजेस है ये कौन से स्टेट से जाती है? मुझे स्टेट्स के नाम बता दीजिए कि भाई वेस्टर्न घाट्स कौन से स्टेट से जाता है। तो स्टेट्स के नाम कोई बताएगा तो बहुत बढ़िया रह जाएगा। मैंने कहा था भाई वेस्टर्न घाट्स के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, एनवायरमेंट का पार्ट है। कि गाडगिल कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है वेस्टर्न घाट को मानते हैं। तो इट स्टार्ट विद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र आएगा, फिर आपका गोवा आएगा, छोटा है पर बहुत मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटका की बात करेंगे, फिर आएगा आपका केरला और फिर आएगा तमिलनाडु। ये जो पूरा बॉर्डर लाइन एरिया है इसको हम वेस्टर्न घाट कहते हैं। और हमारे दोस्तों ने लास्ट टाइम भी कहा था कि सर तमिलनाडु में वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। बहुत बढ़िया नॉलेज है ये, और ये नॉलेज याद रखेगा दोस्तों, बड़ी एग्जाम्स के लिए काफी मैटर करेगा। पर ये जो फिश मिली हुई है, ये फिश एनिग्मो कैनिडी की हम बात करेंगे, ये केरला के अंदर मिली है। दो तरीके से फिश मिलती है, एक इस बोनी फिश जो है, ये बोनी फिश एक आपको मिलेगी पैडी के फील्ड्स में। राइस का फील्ड होता है राइस के, तो राइस के फील्ड के अंदर आपको एक फिश मिलेगी के सेम कैटेगरी की। और दूसरा इसी का एक भाई है, मींस इसी कैटेगरी की एक फिश है जो आपको मिलेगी कुओं के अंदर, वेल के अंदर मिलेगी। तो दो जगह पे फिश पाई गई है, और वेरी यूनिक फिश। अभी फ्लड आया था केरला के अंदर, तो फ्लड के चक्कर में जो पैडी फील्ड्स थे, पैडी फील्ड का मतलब है जो राइस वाली खेती थी, वहां की फिश गायब हो चुकी है बिकॉज ऑफ फ्लड। शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई, वापस मिलेगी पता नहीं, बट साइंटिस्ट उसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। तो लेट्स सी कैसे होता है। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत मैटर करती है और काफी क्वेश्चन इन चीजों के ऊपर आते हैं। याद रखना दोस्तों, यूपीएससी की एग्जाम देने वाले मेरे दोस्त के गाडगिल कमेटी, ये बहुत मैटर करेगी आपको। गाडगिल कमेटी वॉज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया, याद रखना, बहुत ज्यादा मैटर करेगा, ठीक है। यस, वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सह्याद्री, सह्याद्री भी हम लोग कहते हैं, महाराष्ट्र इज कॉल्ड अ सह्याद्री। यस एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन अक्टूबर 2020 गैप इंडस्ट्रीज हैज अनाउंस अ पार्टनरशिप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर द रूरल यूथ। के गैप आपको बताओ कपड़ों का ब्रांड है, के काफी टी शर्ट्स, उनके स्वेटशर्ट्स काफी फेमस है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांड के। सो गैप इंडस्ट्रीज हैज अनाउंस अ पार्टनरशिप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर द रूरल यूथ। मैंने कहा था गैप इंडस्ट्रीज नॉर्मली वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट के लिए काफी वर्क करती है, तो रिसेंटली किस मिनिस्ट्री के साथ टाइप की है? के भले स्किल डेवलपमेंट होगा, पर यहां पे मिनिस्ट्री आपकी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ओके, देखिए उनका पेस नाम का प्रोग्राम है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल एडवांसमेंट एंड करियर एनहांसमेंट प्रोग्राम, जिसको हम लोग पेस कहते हैं। इस प्रोग्राम के तहत उन्होंने ये टाइप किया। मुझे बताइए मिनिस्टर कौन है, जल्दी से बता दीजिए कि भाई मिनिस्टर कौन है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है कौन हमारे के, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैप क्या करता है, गैप का बहुत पुराना ये प्रोग्राम है पेस नाम का। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्टली डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज जो होती है, इन कंट्रीज में जाएंगे के वहां के मोस्टली वुमन एम्पावरमेंट करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। यहां पे भी
यूथ को, रूरल यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री सो दैट दे शुड गेट द जॉब। बहुत अच्छी बात है, एक इंटरनेशनल कंपनी आ रही है और ऐसे काम कर रही है तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यस तोमर साहब की हम लोग बात करेंगे, एब्सोल्युटली। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड द मेगा वर्चुअल समिट रेज दैट इज रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। लेट्स सी कितने लोग इसका आंसर करते हैं कि भाई इसका इनॉग्रेशन किसने किया। रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020, ये डिस्कशन काफी दिनों से चल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, देन यूएस की बात करेंगे, जर्मनी, फ्रांस, इन सारे कंट्रीज नहीं, इवन ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो देयर। यस ऑस्ट्रेलिया का शायद ना मैंने नाम ले लिया, न्यूजीलैंड इज ऑल्सो देयर। इन सब ने मिलके रेज ये क्रिएट किया था, रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट, और इंडिया ने भी इसको ज्वाइन किया। इंडिया ने ज्वाइन करते ही इसका मेगा वर्चुअल समिट इसको ऑर्गेनाइज किया था और इसका इनॉग्रेशन किया है नन अदर देन अवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया के, पर बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज किया है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से। मुझे बताइए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर कौन है, के हु इज द मिनिस्टर। यस रविशंकर प्रसाद साहब मिनिस्टर है, के उनके मिनिस्ट्री के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया, पर इनॉग्रेशन तो मोदी साहब के हाथ से हुआ है। बिकॉज यहां पे केवल इंडिया नहीं है, यहां पे बाकी भी कंट्रीज इन्वॉल्व है, जिन कंट्रीज के मैंने नाम लिया, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, न्यूजीलैंड है, यूके, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, बड़ी बड़ी कंपनीज है, सॉरी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, सबने यहां पर इन्वॉल्वमेंट दिखाया है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। मोदी साहब ने अपने भाषण में एक पॉइंट मेंशन किया था कि उनका पॉइंट बहुत अच्छा था, उनका कहना है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है इसको क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए मत यूज कीजिए, नहीं तो बहुत सारे लोग नई नई टेक्नोलॉजी का यूज गलत कामों के लिए यूज करते हैं। सो डोंट डू दैट, अगर करना है तो सोशल एम्पावरमेंट के लिए कीजिए, देश के डेवलपमेंट के लिए कीजिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स वाली चीजें यहां पे आती है, तो ये अच्छी चीजों के लिए यूज करनी चाहिए। ये मोदी साहब ने भी कहा और बाकी कंट्रीज भी कह रही है, याद रखना बहुत ज्यादा मैटर करेगा। सबसे ज्यादा दोस्तों पता है आपको क्वेश्चन कहां पे आएंगे, यहां पे रेज का फुल फॉर्म बता दीजिए कि भाई क्या है। यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे हमारे दोस्त, बहुत सारे हमारे फ्यूचर ऑफिसर्स गलती कर सकते हैं, याद रखना यहां पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन अक्टूबर 2020 हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय इंडो अमेरिकन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स। नाउ इंडो अमेरिकन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के इन्होंने रिसेंटली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको प्रेजेंट किया, किसको दिया। यस कोई बताएगा? यस गाइस लेट्स सी। हवा से ऑक्सीजन निकलेगा नहीं निकलेगा हम बाद में बात करेंगे उन चीजों के ऊपर, ओके, दैट इज नॉट अवर कंसर्न राइट नाउ, ठीक है। चलो यस यहां पे आपका आंसर सही है, रतन टाटा जी के उनको मिला हुआ है। रतन टाटा ऑब्वियसली एवरीवन नोज दैट वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट लाइक परफेक्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड के, काफी बेस्ट एंटरटेनर, सॉरी एंटरटेन एंटरप्रेनर रह चुके के, इंडस्ट्रियलिस्ट, वन ऑफ परफेक्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिनके तरफ काफी होप से हम लोग देखते हैं। सो रतन टाटा साहब को ये अवार्ड दिया गया है, याद रखना, ठीक है, ये काफी मैटर करेगा। यस रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। यूनियन कैबिनेट ऑफ अप्रूव्ड द रेटिफिकेशन ऑफ हाउ मेनी केमिकल्स लिस्टेड अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। नाउ ये न्यूज मुझे आपके साथ सैटरडे डिस्कस करनी थी, बट बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज आई वॉज नॉट एबल टू डिस्कस दैट न्यूज विथ यू, बट मैं आज आपके साथ इस न्यूज के ऊपर बात करूंगा कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ये हमारे लिए बहुत मैटर करेगा। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करते हैं, स्टॉकहोम में कन्वेंशन हुआ था, ये मैंने शायद ये न्यूज का आपको पीडीएफ भी मिल चुका होगा, इस न्यूज को मैंने स्पीड क्विज के थ्रू भी डिस्कस किया था। तो 7 ऐसे स्टॉकहोम कन्वेंशन के जिसको कैबिनेट ने रेटिफाई किया। रेटिफिकेशन का मतलब क्या, पहले इसके ऊपर बात करते हैं, पहले इसके तरफ ध्यान दीजिए, रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों रेटिफिकेशन ये वर्ड बड़ा मैटर करता है। देखिए जब भी हमारे कंट्री के पीएम, प्रेसिडेंट या कोई भी मिनिस्टर बाहर कंट्री जाते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं, वो एग्रीमेंट तब तक अप्रूव नहीं होगा, वो एग्रीमेंट तब तक इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं होगा जब तक हमारी कैबिनेट या हमारा पार्लियामेंट उसको ग्रीन सिग्नल नहीं देते, तो उसको रेटिफिकेशन कहा जाता है। तो जब हमारे कंट्री में वो ऑथेंटिक तरीके से लॉ में कन्वर्ट होगा या ऑथेंटिक तरीके से रूल्स में कन्वर्ट होगा तो उसको रेटिफिकेशन कहा जाएगा। देखिए मोदी साहब बहुत सारे कंट्रीज जाते थे, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करते, पर हर एग्रीमेंट इंडिया में इंप्लीमेंट होगा ही ऐसा जरूरी नहीं होता है जब तक आप उसको रेटिफाई नहीं करते। तो
जहां पे यूनियन कैबिनेट ने रेटिफिकेशन किया, मींस इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हम इन चीजों को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जैक्टली ये क्या है। स्टॉकहोम कन्वेंशन इज अ ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एनवायरमेंट फ्रॉम द पीओपीज। अब इन पीओपीज से हमें ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। अब ये ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं जो एक बार बॉडी में चले गए तो वो सालों साल बॉडी में रहते हैं। हमारा जीन्स है, डीएनए है, तो डीएनए के अंदर वो रहेंगे। चलो फॉर एग्जांपल सपोज मैंने ऐसे कोई केमिकल मेरे बॉडी में आ गए तो शायद मुझे कुछ नहीं होगा, पर जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है कि मींस जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उस जनरेशन के अंदर शायद ये बहुत बड़ा इंपैक्ट प्ले करेंगे, तो उनके डीएनएस में, उनके जीन्स में ये काफी बड़ा रोल प्ले करेंगे, तो शायद उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है, परसिस्टेंट का मतलब है ये लॉन्ग टर्म के लिए वर्क करने वाले है। तो 2001 में स्टॉकहोम स्वीडन का राजधानी है कि वहां पे इसको इंप्लीमेंट किया गया था और 2004 में पूरे दुनिया में इफेक्टिवली उसको इंप्लीमेंट किया गया, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, नाउ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट दैट इज अ पीओपी, याद रखिए। अब ध्यान रखो, पीओपीज आर आइडेंटिफाइड केमिकल सब्सटेंसेस दैट परसिस्ट इन द एनवायरमेंट, बायो एक्यूमुलेट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एडवर्सली अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट। बायो एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दो। इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि बायो एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है। इवन नॉट ओनली इन यूपीएससी, तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा कर्नाटक के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि बायो एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिए, बायो एक्यूमुलेट का मतलब क्या है, सपोज लीड है, कि लीड आपको पता होगा, सपोज लीड या मर्क्यूरी है बॉडी में चला गया, किसी भी रीजन से बॉडी में चला गया, तो एक्यूमुलेट होता है, वो बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा। नॉर्मली एक्सक्रीशन से काफी चीजें बॉडी से बाहर निकलती है, पर ये जो मेटल्स है, ये जो परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स है, ये बॉडी में ही रह जाते हैं और आपके डीएनए से ये वन जनरेशन टू अनादर जनरेशन जाएंगे, और जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये केवल ह्यूमन बींग्स में नहीं होगा, ये एनिमल्स में होगा, ये प्लांट्स के अंदर भी होता है, इसीलिए इनको रोकना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब देखिए, द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड द रेगुलेशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट रूल्स March 2018 अंडर द प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। हु इज द एनवायरमेंट मिनिस्टर राइट नाउ, के हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है अभी फिलहाल, कोई बताएगा मुझे? चलो कोई बताएगा मुझे कि भाई हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है? कार्बन एमिशन, दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट दोस्त। ओके, कार्बन एमिशन वाला कंसेप्ट दूसरा है, के उसके ऊपर हम बाद में कभी बात करेंगे, फिलहाल यहां पे बात करते हैं। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, यूज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ दिस 7 केमिकल्स इज प्रोहिबिटेड। तो ये 7 केमिकल्स को इंडियन गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, यूज या इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब करने से मना कर दिया है। ये हमारे लिए बहुत मैटर करेगा। यस, जावड़ेकर साहब हमारे फिलहाल एनवायरमेंट मिनिस्टर है। अब ध्यान दीजिए, उन 7 केमिकल्स या परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के नाम आपके सामने हैं। क्लोराडेकोन की बात करेंगे, हेक्साब्रो मोबी फिनिल की बात करेंगे, देन हेप्टा ब्रोमोडी फिनिल इथर की बात करेंगे, देन पेंटा ब्रोडी फिनिल इथर की बात करेंगे, देन पेंटा क्लोरो बेंजीन की बात करेंगे, देन हेक्सा ब्रोमोसिल क्लोरोसिन की इज देयर, एंड हेक्साक्लोरो ब्यूटाडीन इज देयर। ओके, सो ये 7 केमिकल्स या 7 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स आपके सामने है। नाउ नाम बड़े डिफिकल्ट है, बट हमारे दोस्त जो एसएससी का एग्जाम देने वाले, हमारे दोस्त जो एनडीए का एग्जाम देने वाले, हमारे दोस्त जो सीडीएस का एग्जाम देंगे, यूपीएससी का एग्जाम देंगे या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देंगे, ऐसे एग्जाम जहां पे साइंस होता है, ऐसे एग्जाम जहां पे साइंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, गाइस आपको इसके तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, आपको इसके तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। बैंकिंग का एग्जाम देने वाले के बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस 7 केमिकल्स के नाम याद रखेगा या 7 पीओपीज के नाम, 7 पीओपीज है, बस इतना नंबर याद रखेगा, आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। ठीक है, यस, नेम्स आर वेरी डिफिकल्ट, नो डाउट अबाउट दैट। ओके, इट विल टेक सम टाइम टू रिमेंबर दिस नेम्स, बट थोड़ा याद रखिए, बिकॉज एग्जाम्स के लिए बहुत मैटर करेगा। ठीक है, चलो ट्रिक्स बता देंगे। ओके, बायोमैग्निफिकेशन, यस, बायोमैग्निफिकेशन विल बी लाइक, इट इज अ इंक्रीज, जब वो मैग्नीफाई होता है, जब चीजें मैग्नीफाई होगी के, या वो बहुत बड़ा रोल प्ले करना शुरू करेगी, तो उसको हम बायोमैग्निफिकेशन कहेंगे।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन अक्टूबर 2020 गाइडेंस अ नोडल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटी एजेंसी ऑफ विच स्टेट, सॉरी स्टेट ऑफ तमिलनाडु हैज पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू एस्टैब्लिश इंडिया फर्स्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब। मेरे ख्याल से ऑलरेडी आंसर आना शुरू हो गया हमारे दोस्तों के। यस गाइस, चलो बताइए। यस आंसर इज राइट, एब्सोल्युटली राइट आंसर। ओके यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज द आंसर। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड से बेस्ट इंस्टीट्यूट है। ओके, ये इंटर गवर्नमेंटल नहीं है। नॉर्मली बाकी जो इंस्टीट्यूट होते हैं, वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक, IMF या यूनाइटेड नेशन, ये इंटर गवर्नमेंटल होती है। वहां पे केवल किसी कंट्री की गवर्नमेंट ही रिप्रेजेंट कर सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये ओपन ऑर्गेनाइजेशन है। यहां पे कंट्री की गवर्नमेंट आएगी के, इसके अलावा यहां पे बाकी एनजीओस भी जा सकते हैं, इंडस्ट्रीज भी किसी भी कंट्री की रिप्रेजेंट कर सकती है। तो यहां पे बाकी भी लोग यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे के, तो याद रखिएगा यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने मिलके एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया है तमिलनाडु के अंदर। ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से इंडिया इज द प्लेस फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो 4.0 जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं, ये इंडिया में होगा, ऐसा इनका कहना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहती है कि इंडिया शुड बी द प्लेस फॉर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया शुड बी द प्लेस फॉर दिस ड्रोन टेक्नोलॉजी। और जब हम बात करते हैं दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, इसकी हम लोग जब बात करेंगे तो इंडिया इसका बहुत बड़ा प्लेस बन सकता है, ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहती है। तो उसी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब को हमने तमिलनाडु के अंदर क्रिएट करने की बात की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलके। याद रखना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सामने है। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMOs। ओके, इंडिया की तरफ से बस एकलौते हैं के जो जिनको वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMOs के लिस्ट में डाला गया के, तो मुझे बताइए कि उनका नाम क्या है। लेट्स सी क्या नाम है, कौन कौन उसका आंसर करता है। यस गाइस, जल्दी से एनीवन। यस आंसर इज रवि संतनाम। रवि संतनाम की बात करेंगे, HDFC के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है के, और बेहतरीन तरीके से मार्केटिंग की HDFC की। आप देख सकते हो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट बैंक राइट नाउ इज HDFC। आदित्य पुरी साहब की भी मेहनत थी, नो डाउट अबाउट दैट, पर उनके CMO है, दैट इज चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रवि संतनाम है, एंड इज कॉल्ड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMO ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट में इंडिया की तरफ से इकलौते हैं, और इंडियन बैंक के, जबकि बैंकों की हालत इंडिया में थोड़ी खराब चल रही है, पर फिर भी एक बैंक है जो बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है और उसका नाम HDFC है। याद रखना, यह भी हमारे लिए बहुत मैटर करेगा। 39th रैंक पे वो आते हैं। रवि संतान साहब की बात करेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वन ऑफ द बेस्ट CMO। एब्सोल्युटली राइट के, आगे बढ़ेंगे। इंडिया इन विच कंट्री हैज एग्रीड टू वर्क टूवर्ड्स द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द सिटवे पोर्ट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। मैंने बताया भी था आपको कि हमें नॉर्थ ईस्ट में जाना है, तो हम डायरेक्टली हमारे खुद के कंट्री के रूट से आने के लिए हमें बहुत दिक्कत जाती है, तो हम कभी बांग्लादेश की हेल्प लेते हैं और कभी हम लोग हमारे एक नेबर है म्यांमार की हेल्प लेते हैं। तो सिटवे पोर्ट ये म्यांमार के अंदर है और उसका डेवलपमेंट इंडिया करके दे रहा है। रखीन स्टेट, आपको पता होगा रखीन स्टेट की हमने बात की थी। रखीन स्टेट रोहिंग्यास, रोहिंग्या ज्यादा आपको, रोहिंग्या मुस्लिम्स का हमने न्यूज देखा था कि भाई वो चले गए बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश ने उनके लिए एक पोर्ट बना के रखा है, सॉरी एक आइलैंड है वहां पे प्लेस बना के रखी है जहां पे बांग्लादेश ने सारे रोहिंग्या मुस्लिम्स को शिफ्ट कर दिया। कोई बताएगा मुझे उस आइलैंड का नाम क्या है के, उस आइलैंड का नाम क्या है जहां पे बांग्लादेश ने प्रॉपर रोहिंग्या मुस्लिम्स को रखने के लिए एक प्रॉपर आइलैंड डेवलप किया हुआ है, तो कोई उस आइलैंड का नाम बताएगा। यहां पे बात करेंगे म्यांमार की। म्यांमार इंडिया के बहुत पुराने रिलेशन है। सिटवे पोर्ट एक जमाने में चाइना डेवलप करने वाला था, पर चाइना को बाहर निकाल दिया, अब हम डेवलप करेंगे, और उसका फायदा यह है कि वहां से हम नॉर्थ ईस्ट बड़े जल्दी पहुंच सकते हैं और डेवलपमेंट काफी कर सकते हैं। यस, भसान चार, एब्सोल्युटली राइट। भसान चार वॉज द नेम, इज द नेम ऑफ द आइलैंड जहां पे रोहिंग्या मुस्लिम्स को रखा जाएगा या उनको प्रॉपरली प्लेस दी जाएगी। बिकॉज कॉक्स बाजार जो बांग्लादेश का एरिया, काफी क्राउडेड एरिया जहां पे फिलहाल रोहिंग्या मुस्लिम्स रहते हैं, तो बहुत क्राउडेड है, बहुत ज्यादा ही क्राउडेड है, काफी ह्यूज डेंसिटी है। इसलिए बांग्लादेश गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ मिलकर इस भसान चार को डेवलप करने की बात की थी और हमने डेवलप कर भी दिया। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है आप लोगों की। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2020 हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट
ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज इन इंडिया फॉर द टेन्योर ऑफ 2 ईयर्स. मैंने कहा था एक्चुअरीज क्या काम करता है, मैंने आपको बताया भी था, ध्यान रखिएगा कि आपने इंश्योरेंस कंपनीज, हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज है, इंश्योरेंस के ऊपर रिस्क होती है. देखिए इंश्योरेंस क्यों मिलता है, बिकॉज आपके लाइफ की रिस्क है, आपके गाड़ी का रिस्क है, आपके हेल्थ का रिस्क है. तो रिस्क कैसे कैलकुलेट करें कि कितना प्रीमियम पे करने के लिए बोला जाए, तो जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है उसके रिस्क कैलकुलेशन करने वाले लोग एक्चुअरीज होते हैं, उनको एक्चुअरीज कहेंगे, बीमांकक के उनको कहा जाता है. तो बताइए मुझे उनका नाम. यस, आपका सबका आंसर भी आना शुरू हो गया. शुभेंदु बाल हम लोग कहेंगे कि LIC का एग्जाम आता है, न्यू इंडिया एश्योरेंस का एग्जाम आता है, तो उसमें से एक पोस्ट होती है एक्चुअरीज की, और एक्चुअरीज बड़ी बेहतरीन पोस्ट है, बड़ा स्टैंडर्ड जॉब है. इनका काम होता है कि भाई कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे बनानी है, उसके ऊपर कितना रिस्क रहेगा, तो पॉलिसी कैसे काम करेगी, किस तरीके से करेगी, ये सारा जबरदस्त वाला जो वर्क होता है, मैथमेटिकल वर्क होता है, ये एक्चुअरीज करते हैं. याद रखिएगा, एक जमाना था इंडिया में एक्चुअरीज के कॉलेजेस भी नहीं थे, तो एक्चुअरीज में काम करने वाले लोग इंग्लैंड से पढ़ के आते थे. इंग्लैंड में एक कोर्स था, सर्टिफिकेट कोर्स, वो कर लीजिए. बहुत सारे लोग वो इंग्लैंड का कोर्स करते थे और बाद में एक्चुअरीज बनते थे, पर अभी इंडिया में कॉलेजेस स्टार्ट हो चुके हैं, काफी जगहों पे इंडिया में एक्चुअरीज पढ़ाई जाती है, पर अभी भी इंग्लैंड का सर्टिफिकेट कोर्स ये बड़ा फेमस माना जाता है पूरे वर्ल्ड में एक्चुअरीज के लिए, ये भी याद रखिएगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. October 2020, which of the following companies has launched a 7th offshore patrol vessel of Indian Coast Guard Vigraha? Now, Vigraha नाम से एक सातवां एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल दिया गया. कि ऑफशोर का मतलब है कि थोड़ा सा इंडिया के बॉर्डर से दूर ये पेट्रोलिंग करेगा सी के अंदर. सो टोटल 7 ऐसे वेसल्स देने की बात की थी और ये लास्ट वेसल है जो प्रोवाइड किया गया, और आंसर है यहां पे LNT लार्सन एंड टर्बो. उनका चेन्नई में जो जहां पे वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहीं पे कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर उन्होंने क्रिएट किया था. कोस्ट गार्ड नॉर्मली हमारा जो टेरिटोरियल वाटर है, कंटिजेंट वाटर है एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यहां पे पेट्रोलिंग करने का काम ये कोस्ट गार्ड्स का होता है. इनको 7 शिप्स दी गई, 7 में से लास्ट जो शिप थी विग्रह नाम की, ये अभी लार्सन एंड टर्बो ने प्रोवाइड की है. तो यहां पे भी काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ये भी आपके लिए काफी मैटर करेगा. ओके, आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. When is the Ganga River Dolphin Day celebrated every year? Ganga River Dolphin Day हम हर साल कब celebrate करते हैं? Now Gangatic Dolphin is the national aquatic animal of India. India का national aquatic animal है, okay, जिसको हम लोग कहते हैं Gangatic Dolphin. ब्रह्मपुत्र के अंदर भी dolphins मिलते हैं, Indus River के अंदर भी dolphins मिलते हैं, okay, बात करेंगे नेपाल की या फिर बांग्लादेश की, म्यांमार की, के इन सारे कंट्रीज में डॉल्फिन उनका एक्वाटिक एनिमल है. साथ में पाकिस्तान का जो इंडस डॉल्फिन है वो भी उनका एक्वाटिक एनिमल है. तो यहां पे हम लोग डे कब मनाते हैं? यस, 5th ऑफ अक्टूबर की हम लोग बात करेंगे. के 5th ऑफ अक्टूबर के एवरी ईयर गंगेटिक रिवर डॉल्फिन डे हम लोग मनाते, नेशनल एक्वाटिक एनिमल 2010 में हमने अनाउंस किया था. याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, 5th ऑफ अक्टूबर है. सबने 7th ऑफ अक्टूबर क्यों लिख दिया मुझे नहीं पता, कि शायद किसी एक ने लिखा तो सबने लाइन लगा दी होगी उसकी. दोस्तों ये गलतियां मत कीजिए, बड़ी बड़ी सिंपल सिंपल न्यूज होती है. यस, ये जो गंगेटिक डॉल्फिन है दे आर द ब्लाइंड, वो ब्लाइंड होती है, कि उनका प्रोटेक्शन बहुत मैटर करता है, इसलिए गंगा क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एटलीस्ट टू सेफ गार्ड दिस डॉल्फिन्स. ओके, चलो आगे बढ़ेंगे. नाउ हिस्टोरिक MOU वॉज साइंड बिटवीन इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन मटेरियल एक्सेसिबल फॉर डेफ चिल्ड्रन इन देयर प्रेफर्ड फॉर्मेट ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ रिसेंटली इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च ने किसके साथ MOU साइन किया, ताकि जो हमारे डेफ स्टूडेंट्स हैं उनको सारा मटेरियल ये प्रॉपर उनके कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म पे मिल सके. तो बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम लॉन्च किया है, कि जो भी हमारे दिव्यांग दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनको बड़े लेवल पे जाना है, उनके लिए इन बुक्स को बनाया है. और यहां पे काम किया है NCERT ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. NCERT ने यहां पे साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के साथ मिलके इसको क्रिएट किया है, ताकि प्रॉपर एक कम्युनिकेशन का चैनल बन सके और जिसका फायदा सारे डेफ स्टूडेंट्स को मिल सके, ताकि वो अपना करियर अच्छे से प्रोग्रेस कर पाए. सो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो NCERT का फुल फॉर्म है, इन्होंने इसको क्रिएट किया हुआ है, बहुत बढ़िया. ओके, आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 23. Which of the following organization has released
इट्स बैनियल पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट। ये न्यूज मैंने मेरे फाइनेंशियल समाचार के लेक्चर में ली थी। बाय द वे आज भी फाइनेंशियल समाचार का लेक्चर है और बड़ा आज बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको मिस मत कीजिएगा। तो नाउ फाइनेंशियल समाचार के लेक्चर के अंदर मैंने डिस्कस किया था ये पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट। ये हर 2 साल बाद आता है, बेनियल का मतलब है हर 2 साल बाद ये रिपोर्ट आएगा। के इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अफ्रीका, अफ्रीकन एंड द साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ एशियन कंट्री जहां पे इंडिया आता है वहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। एंड दिस रिपोर्ट इज गिवन बाय वर्ल्ड बैंक। ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने दिया है। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड बैंक एंड IMF टूगेदर कॉल्ड एज ब्रेटन वुड ट्विंस, दोनों को ब्रेटन वुड ट्विंस कहते हैं। 1944 में दोनों साथ में क्रिएट किए गए थे, ब्रेटन वुड जो US में जगह है वहां पे, ठीक है। जॉन मिनियार्ड किन्स, JM किन्स, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, उनके एफर्ट से वर्ल्ड बैंक IMF क्रिएट हुए थे। 1944 की बात है के? पहले वर्ल्ड बैंक नाम नहीं था, पहले इसका नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बाद में जब और ऑर्गेनाइजेशन इसके अंडर बनना शुरू हो गई तो बाद में इसका नाम रख दिया हमने वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक एंड IMF, और वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दिया हुआ है रिगार्डिंग द पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट। उनका कहना है COVID-19 की वजह से कम 85 मिलियन लोग और पॉवर्टी के अंदर जाएंगे, ऐसा प्रेडिक्शन वर्ल्ड बैंक ने दिया हुआ है, याद रखना काफी मैटर करेगा। यस, वर्ल्ड बैंक के हेड डेविड मेलपास है के, एंड अगर बात की जाए क्रिस्टिना जॉर्जीविया, सो ये हमारी IMF की हेड है, और गीता गोपीनाथन चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर है के, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है जो IMF के लिए काम करती है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवार्डेड द 2020 नोबेल पीस प्राइज बाय द नॉर्वियन नोबेल कमिटी। नॉर्वे के नोबेल कमिटी ने रिसेंटली नोबेल का पीस प्राइज, मैंने कहा तो सबसे बड़ा प्राइज है, बाय द वे आज इकोनॉमिक्स का प्राइज अनाउंस होने वाला है, आज शाम को इकोनॉमिक्स का प्राइज अनाउंस होगा। कल हम सारे नोबेल प्राइज को वापस एक बार रिवाइज करेंगे, बिकॉज सारे नोबेल प्राइज आज खत्म हो जाएंगे, पीस का प्राइज उस दिन अनाउंस हो गया के, अब आज इकोनॉमिक्स का प्राइस अनाउंस होगा तो सारे नोबेल प्राइस खत्म हो जाएंगे, बाद में हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले। तो नोबेल पीस प्राइस किसको मिला है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली राइट। यस, यहां पे हम बात करेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करेंगे के, इनका हेडक्वार्टर इटली के अंदर है, इनका हेडक्वार्टर है के, एब्सोल्युटली राइट ओके। 1961 की बात करें तो 1961 में इसको क्रिएट किया गया था इटली के अंदर के, इसका हेडक्वार्टर रोम में इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन की बड़ी अच्छी अथॉरिटी है, एंड दे क्रिएट अ ट्रिमेंडस जॉब फॉर द पॉवर्टी एलिवेशन, एंड दैट्स व्हाई दे गॉट दिस अवार्ड के। यस यस यस, देखिए इनका सीन क्या है, इन 2019 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम प्रोवाइडेड असिस्टेंस टू 100 मिलियन पीपल इन 88 कंट्री। केवल COVID-19 की बात नहीं करेंगे, केवल COVID-19 की बात नहीं करेंगे, ओवरऑल इनका काम बहुत बड़ा है। 100 मिलियन पीपल इन 88 कंट्रीज, दे प्रोवाइडेड द फूड, दे प्रोवाइडेड द बेसिक एमिनिटीज, एंड दैट इज अ बिग जॉब डन बाय देम। याद रखना, वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन एड्रेसिंग हंगर एंड प्रमोटिंग फूड सिक्योरिटी, दैट इज देयर मेन एम, एंड दैट्स व्हाई दे गॉट दिस अवार्ड, बहुत ज्यादा मैटर करेगा, ठीक है। देखना, 19 प्रोवाइडेड स्कूल मिल्स टू मोर देन 17.3 मिलियन चिल्ड्रन इन 50 कंट्रीज, ऑफन द हार्डेस्ट टू रीच एरियाज, मींस ऐसे एरिया, मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज है, ऐसे एरिया में फूड प्रोवाइड किया कि जहां पे उनकी कंट्री के लोग भी नहीं पहुंच पाते, वहां जाके फूड सप्लाई किया है। देखिए, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ये 3 कॉन्टिनेंट्स है जहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने वर्क किया के, तो केवल COVID-19 इज नॉट द सिनारियो, उसके पहले से काफी अच्छा वर्क ये लोग कर रहे हैं, याद रखिएगा, बहुत मैटर करेगा। 2019 की बात करते हैं, 2019 में यूथोपियन प्राइम मिनिस्टर एबी अहमद अली के, इनको अपने एफर्ट्स के लिए, ताकि नेबर्स के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, उनको शांत करने के लिए 2019 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था के। नाउ बहुत सारे लोग कह रहे थे शायद डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा, ट्रंप को मिलेगा ओके, ट्रंप साहब ने बहुत एफर्ट्स भी लिए थे, उनका नाम नॉमिनेट भी हुआ था, पर उनको नहीं मिला, यहां पे मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, UN की ऑर्गेनाइजेशन है याद रखना, पर 1961 में क्रिएट किया गया था, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। In October 2020, which of the following state has decided to set up a Farmers Welfare Fund Board for the welfare of farmers in the state? Now, badi important news hai. Okay.
मैम ट्रम्प इज नॉमिनेटेड एवरी ईयर. ट्रम्प को नॉमिनेट ना हर साल करते हैं. ओके, नेक्स्ट ईयर के लिए भी नॉमिनेटेड है, इस साल के लिए भी नॉमिनेटेड है, और उसके पहले वाले साल के लिए भी नॉमिनेटेड है. ओके, सो इज बिन नॉमिनेटेड फॉर एवरी ईयर. ओके, सो छोड़ दीजिए, नॉमिनेशन हर किसी को मिल सकते हैं, इज नॉट अ बिग डील. ओके, अवार्ड मिलना बहुत मैटर करता है. चलो यहां पे बताइए मुझे, फार्मर्स वेलफेयर फंड बोर्ड ये किसने क्रिएट किया? एंड दिस बोर्ड इज क्रिएटेड बाय केरला. अमेजिंग थिंग डन बाय द केरला. ध्यान रखो, इसके पहले इंडस्ट्रियल वेलफेयर फंड भी बनाया था इन्होंने. बोर्ड, एक बोर्ड बनाया. बोर्ड का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्मर के वेलफेयर का पूरा फंड हैंडल करेगी. फिर फंड प्राइवेट से भी आ सकता है. इसके पहले जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड बोर्ड बनाया था, तो उन्होंने बाहर कंट्री जाके मसाला बॉन्ड्स बेच के पैसे लाए थे इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए. और काफी अच्छा रिस्पॉन्स केरला गवर्नमेंट के उस मसाला बॉन्ड को मिला था. सेम तरीके से केरला गवर्नमेंट सोच रही है कि फार्मर के वेलफेयर के लिए भी ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करे और प्रॉपरली पैसे मैनेज करे ताकि फार्मर का डेवलपमेंट हो सके. सो केरला डिड दिस. केरला ने अमेजिंग काम किया हुआ है यहां पे, बहुत बढ़िया. केरला के सीएम और गवर्नर साहब का नाम पूछने की जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं, पहले आप लोगों ने ऑलरेडी उसके आंसर कर दिए. एसके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ओके, काफी अच्छा आपने इंफॉर्मेशन मेंशन किया, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ जाते हैं. मसाला बॉन्ड क्या है? ओके, आई विल टेल यू द मसाला बॉन्ड क्या होता है, ध्यान दीजिए. देखिए, जब कोई इंडियन कंपनी या कोई इंडियन, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी, जब कोई इंडियन कंपनी दूसरे कंट्री में अपने बॉन्ड्स बेचती है, बॉन्ड्स का मतलब है लाइक जैसे ना हम एफडी वगैरह बेचते, वैसे अगर हमने बॉन्ड बेचे. ओके, तो नॉर्मली दूसरे कंट्री जब हम बॉन्ड बेचते हैं तो उनके करेंसी में बेचना पड़ेगा. सपोज एक इंडियन कंपनी है, अगर ये दूसरे कंट्री बॉन्ड बेच रही, यूएस में बॉन्ड बेच रही, तो डॉलर में बेचना पड़ेगा बिकॉज वहां डॉलर चलता है. पर अगर इंडियन कंपनी दूसरे कंट्री में रूपी में बॉन्ड बेचती है, हमारे करेंसी में बॉन्ड बेचती है, तो उन बॉन्ड्स को हम लोग मसाला बॉन्ड कहते हैं. यहां पे मसालों से कोई रिलेशन नहीं है, मसालों से रिलेशन मत लगाना, नहीं तो भाई अपना दिमाग दौड़ाओगे और गलत करके आओगे. ध्यान रखना, कोई भी इंडियन कंपनी के जब बाहर कंट्री जाएगी पैसे रेज करने के लिए, पैसे बोरो करने के लिए, तो बॉन्ड देगी, पर जो पैसे रेज होंगे वो इंडियन रूपी में होंगे, वो उनके करेंसी में नहीं होंगे. तो ऐसे बॉन्ड्स को हम लोग मसाला बॉन्ड्स कहते हैं. ये काफी मैटर करेगा. के लुक लुक लुक, इसका और मसालों का कोई रिलेशन नहीं है, फालतू में गड़बड़ मत करना मसालों के साथ. ओके, बस नाम दिया गया है. चलो, द गवर्नमेंट एज अ ककुन ऑक्शन मार्केट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. के ककुन की हम लोग बात करते हैं. यस, ककुन मैंने कहा था सिल्क प्रोडक्शन के लिए काफी मैटर करेगा, और यहां पे श्रीनगर की बात की जाएगी. यस, श्रीनगर के लिए ये ककुन ऑक्शन मार्केट बनाया गया है. वैसे मैंने कहा था कि ककुन वैसे इंडिया में महाराष्ट्र, कर्नाटक, बाकी स्टेट्स में भी मिलते हैं, पर यहां के जो ककुन है ये बड़े फेमस है सिल्क प्रोडक्शन के लिए, और यहां पर बात की जाएगी. तो याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यहां पे लास्ट टाइम हमारे कुछ दोस्तों ने कोकेन वोकेन से लिंक किया था. भाई ऐसी कोई न्यूज हमें नहीं देखनी है, इंडिया में ये चीजें अलाउड नहीं होती, एनसीबी फालतू में रेड करेगा. ओके, सो यहां पे ककुन की बात करेंगे, सिल्क प्रोडक्शन वाले कि गलत एंगल में मत लेके जाना प्लीज. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. यस, मनोज सिन्हा साहब की हम लोग बात करेंगे, बहुत बढ़िया. आगे, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टअप्स हैज डिक्लेयर्ड द विनर इन द वुमेन लेड स्टार्टअप स्पेशल कैटेगरी फॉर द फर्स्ट नेशनल स्टार्टअप अवार्ड. यस यस यस, चलो कोई बताएगा? बफरिंग हो रही है, इज देयर एनी बफरिंग? आई डोंट थिंक सो, दिस इज द बफरिंग गोइंग ऑन. यस गाइस, चलो. यस, योर आंसर इज राइट, एब्सोल्युटली राइट. ओके, यस यस यस, अजूका लैब्स की हम लोग बात करेंगे. अजूका लैब्स गॉट दिस अवार्ड. भारत पे को सबसे फिनटेक का सबसे बड़ा अवार्ड मिला था, उसके बाद अजूका लैब्स की हम लोग बात करेंगे. सो वुमेन लेड स्टार्टअप कैटेगरी के अंदर दे गॉट दिस अवार्ड. एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट. ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. इस न्यूज को हमने काफी डिटेल में वो टाइम पे भी देख लिया था. ओके, आगे बढ़ते हैं, इस अवार्ड की बात बताइए मुझे. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज बीन कंफर्म्ड विद द ग्रीन टेक सीएसआर इंडिया 2020 अवार्ड, इट्स आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द प्रमोटिंग हेल्थ केयर अंडर सीएसआर प्रोग्राम. सीएसआर प्रोग्राम की बात करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो मुझे बताइए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का अवार्ड कौन से कंपनी को मिला है? ग्रीन टेक सीएसआर अवार्ड कौन से इंडियन कंपनी को मिला हुआ है? यस, आंसर है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड. हिसार बेस्ड कंपनी है, हिसार से काम करती है, बट दे गॉट दिस अवार्ड सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. सीएसआर का मतलब ये होता है जब भी कोई कंपनी अपने मुनाफे से, अपने प्रॉफिट से थोड़ा सोशल वर्क करती है, थोड़ा एजुकेशन, हेल्थ, इन एंगल में जब काम करेगी, तो इसको सीएसआर कहा जाएगा, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. जिंदल स्टील ने
हेल्थ सेक्टर में काफी जबरदस्त तरीके से काम किया एंड फॉर दैट रीजन शालू जिंदल जो ये सीएसआर हैंडल करती है उनको ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया, याद रखिएगा। यस, रेलवे डिपार्टमेंट के साथ भी इनका टाइप हुआ है। रेलवे ने पहली बार किसी प्राइवेट एंटिटी से कुछ रॉ मटेरियल खरीदने की बात की है, मोस्टली स्टील का क्रिएशन है, तो जो पटरियां होती है उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिंदल स्टील के साथ यहां पे एग्रीमेंट हुआ है रेलवे का भी, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इन अक्टूबर 2020 नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दैट इज नाबार्ड विल प्रोवाइड ग्रांट असिस्टेंस टू फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। यहां पर बात करेंगे क्यूमिन की, जीरा और सौफ जो होती है हमारी फेनल सीड्स, सो क्यूमिन और फेनल सीड्स के इसको प्रोड्यूस करने के लिए, इसके सीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए नाबार्ड ने गुजरात के साथ टाई अप किए कि भाई गुजरात गवर्नमेंट को हेल्प की जाएगी, तो कौन से दो डिस्ट्रिक्ट्स है यहां पे हेल्प की जा रही है के साथ में, मुझे नाबार्ड के नाबार्ड का हेडक्वार्टर बता दीजिएगा कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां है। यहां पर आपका आंसर सही है डी की बात करेंगे, पाटन के, पाटन और बात करेंगे बनासकांठा और पाटन, इन दो जगहों पे। पाटन के अंदर क्यूमिन मींस जीरा उसको डेवलप किया जाएगा और बनासकांठा के अंदर सौफ जो हमारी होती है फेनल सीड जिसे हम लोग कहते हैं इसको डेवलप किया जाएगा। तो फेनल सीड्स इन बनासकांठा एंड क्यूमिन इन पाटन, इसको डेवलप करने के लिए नाबार्ड ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ टाइप किए। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है नाबार्ड का, चिंताला साहब हेड है और 1982 में नाबार्ड को क्रिएट किया गया था। Yes. इसी के साथ लास्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन अक्टूबर 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज पार्टनर्ड विथ सैटशोर एनालिटिक्स फॉर सैटेलाइट बेस्ड क्रॉप मॉनिटरिंग एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। नाउ सैटेलाइट बेस्ड क्रॉप मॉनिटरिंग, क्रॉप्स कैसे काम कर रहे हैं कैसे काम नहीं कर रहे के कोई अगर आपदा आ गई, नेचुरल कैलामिटी आ गई तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए एक प्रॉपर सैटेलाइट बेस्ड प्रेडिक्टिव सिस्टम बना के रखिए सैट शोर। तो मुझे बताइए ये सिस्टम किसने डेवलप की है, कौन से कंपनी ने डेवलप की है। यहां पे आपका आंसर है रिलायंस। यस एब्सोल्यूट राइट, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने के इसको क्रिएट किया है, 100% सब्सिडियरी है रिलायंस की के, इन्होंने इसको क्रिएट किया ताकि क्रॉप, आपको पता फसल बीमा योजना होती है, फसल बीमा योजना में आपको चेक तो करना पड़ेगा भाई कि आपकी फसल का बीमा कैसे देना है, एंड फॉर दैट रीजन रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी ने इसको सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम क्रिएट करके रखी हुई है, विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत सारे लोग बजाज एलियंस का नाम मार्क करने वाले के, जो अभी ऑलरेडी आप लोग कर रहे हो गलती मत करना, यहां पर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की बात की जाएगी, उनके साथ टाइप हुए है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यस गाइस, सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर सेशन के, जाने से पहले के वापस एक बार राफेल नडाल का एक कोट है, मोर देन एनीथिंग बिलीव दैट यू कैन विन, मोर देन एनीथिंग के बिलीव दैट यू कैन विन, सो किसी और की बिलीव करने की जरूरत नहीं, खुद भरोसा कीजिए एंड याद रखना यू कैन विन, ओके, सो दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनारियो फॉर यू, ठीक है। चलो सो दिस इज फॉर यू, दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडे सेशन के, मिलते हैं दोस्तों 9:30 को मिलेंगे हमारे फाइनेंशियल समाचार के लेक्चर में, और वो लेक्चर हमारा रहेगा हमारे टेक्स्टबुक बैंकिंग चैनल पे, तो वहां पे अटेंड करना मत भूलिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा, ठीक है। चलो गाइज, बाय बाय, टेक केयर के, 9:30 मिलते हैं फाइनेंशियल समाचार के सेशन में, और जहां डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स या फाइनेंस की न्यूज, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।